परम शांति बापू जी। बापू जी, आज प्रश्न ये है कि एंशंट एलियन या कई ऐसी संस्थाएं ऐसा कहती है कि धरती पर ब्लैक होल है और वहाँ से कुछ लोग और चीज़ें जो गायब होती है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल में चीज़ें गायब होती है, उस पे आपके क्या विचार हैं और क्या रियलिटी है, आप बताएं। परम शांति। परम शांति। अभी जो एंशंट एलियन वाले जो बता रहे हैं कि धरती के ऊपर कई ऐसे जगह हैं जहाँ ब्लैक होल जैसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ कुछ भी गायब हो जाता है, फिर वो रहस्यमय जगह से गायब होकर दूसरी जगह निकल जाता है। कोई इंसान भी गायब हो जाता है, कोई प्लेन भी गायब हो जाता है, कुछ भी गायब हो जाता है। तो वो जो पोर्टेबल जगह है, मतलब तो ये बातें सही हैं कि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, कई आत्माएं गुप्त यहाँ मतलब अपने गोले के साथ धरती पर आसपास में घूमती रहती हैं। तो वो आत्माएं जब कहीं ना कहीं कोई इस गोले के अंदर कोई मनुष्य आ गया या कोई प्लेन आ गया या कुछ भी स्थूल चीज आ गई, तो वो अपने गोले के साथ उठा लेंगे और दूर पटक देंगे, और फिर वो उसको पता ही नहीं होगा कितना टाइम ऑन स्पेस हुआ कहाँ। तो ये ऐसी आत्माएं दूर दूर मिल जाएगी आपको। तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं काफी धरती पर घूमती रहती हैं, दूर दूर से आती हैं। और तो पहले भी कई बार बताया है कि दूसरे ग्रहों से, दूसरे सोलर सिस्टम से जो धरती पर आत्माएं आती हैं, तो आती रहती, पहले से भी आती थी। जैसे हमारे देवता भी धरती पर आते थे, आज हिमालय पूरा भरा पड़ा है जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से, जो ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए वो वहाँ प्रसाद करते हैं। तो ऐसी तरह हर धर्म की आत्माएं, दूसरे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं जो सूक्ष्म जगत से आई है, वो दूसरे अलग अलग सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, जो भी आत्माएं आई है, तो वो उनका आने जाने का रास्ता उन धरती पर निशान बनाए हुए हैं इन्होंने, इनका कनेक्शन वहाँ है, तो वो आती जाती रहे। और ऐसे कई सूक्ष्म जगत के गोले घूमते रहते हैं धरती पर, चारों ओर घूमते रहते हैं, केवल एक जगह पे स्टेडी होते ऐसे नहीं ऊपर, क्योंकि सूक्ष्म जगत से ऐसे बहुत गोले आते जाते रहते हैं धरती पर, आते जाते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये गोले कभी कभी जो पावरफुल होते हैं, तो वो गोलों में ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल कैसे बनता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया ब्लैक होल का मतलब क्या है, जो बीच में काला हिस्सा दिखता है वो या परम लाइट है या परम तत्व का है। तो परम लाइट और परम तत्व वो स्थूल कैमरे में नहीं आएगा, स्थूल कैमरे में तो वो फिर एकदम ब्लैक आएगा, क्योंकि वो परम लाइट और परम तत्वों की जो स्पेस है बीच में, वो कहीं भी कोई भी कैमरा नहीं ले सकता, उसको ब्लैक ही नज़र आएगा। और उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आसपास की कोई भी स्थूल चीज़ उसमें जाएगी तो उसको ग्रेविटी इतनी होती है, वो खींच के, उसकी ग्रेविटी ब्लैक होल में जो परम लाइट है या परम तत्व है, वो उसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि वो खींच लेते हैं, खींच के वो जो कोई भी चीज, व्यक्त चीज भी अव्यक्त बन जाती है, उसमें समा अव्यक्त बना देते, परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे जैसे ट्रायंगल में भी ऊपर में, उस ट्रायंगल की जो जगह है उसके ऊपर में भी ऐसा एक बहुत बड़ा गोले में कई लोग रहते हैं, तो वो आने जाने विमानों को सीधा ग्रेविटी से खींच से उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर गायब कर देते, अपने पास अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीधे व्यक्त से अव्यक्त बना लेते हैं। कई बार वहाँ से छूट जाते तो भाग जाते हैं, तो भागने में कामयाब हो जाते तो भाग जाते हैं अनुभव लेके। कई बार कई ऐसे बादलों में फंसे जैसे लगते हैं। तो ये अति अलौकिक बातें हैं, अलौकिक चीज़ें हैं, जो जिनके पास अलौकिक चीज़ें देखने की शक्ति या समझने की शक्ति, तत्वों और परम तत्वों का भेद, परम लाइट का भेद समझने की शक्ति हो, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए उस पर समझने की शक्ति हो, दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स तक समझने की शक्ति हो,
बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए सब समझने के लिए, इसलिए बहुत अति गुह्यराज है सब समझ। मेरे लिए समझाना भी इनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ धरती पर भी कई ऐसे ब्लैक होल बन जाते हैं क्षणिक टाइम बीइंग, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ समझो 8-10 आत्माएं वो गोले में घूम रही हैं यहाँ, और इसमें कोई इंसान आया तो उस इंसान को पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे फिर दूर छोड़ देंगे। ऐसी तरह कोई भी प्लेन आ गया तो प्लेन को उठा के ले जाएंगे फिर दूर छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही अति गुह्य बात है, जब तक सूक्ष्म जगत की बात, अलौकिक बात, पारलौकिक बातें बुद्धि में न बैठे, दूसरी दुनिया पर बुद्धि न जाए, और दूसरी दुनिया सबटल वर्ल्ड सूक्ष्म जगत ब्रह्मांड में 14 लोक है उनका ज्ञान, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में भी तो दूर दूर से लोग आते थे पहले, हमारे पुराणों में वेदों उपनिषद पुराणों में सब लिखी हुई बातें ना, ब्रह्मापुरी से ब्रह्मा आते थे, नारद आते थे, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे नारद मुनि, तो एक वीडियो बनाया था मैंने, तो दूसरे ब्रह्मांडों से तो शास्त्रों में कहाँ से बात आई, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात है शास्त्रों में भी जो लिखवाई गई है, तो ये बातें दूर दूर से जो आते थे वो लिखवाते थे किसी न किसी ऋषि को रेज मार के या दिव्य दृष्टि उसकी इमर्ज करा के, ये सब लिखवाते थे ताकि दुनिया को पता लगे नॉलेज कि ये ब्रह्मांड से बाहर दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी हैं, ये आकाश गंगाएं हैं और अनेक आकाश गंगाएं मिलकर निहारिका बनते हैं, तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ को निहारिका कहते हैं, तो ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, तो दूर दूर से आते जाते रहते हैं, यह अति गुह्य बात है परम शांति।